हमने अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ किया कि या परवरदिगार आटे के अंदर ना आटा 20 रुपए का करवा दे किसी तरह, कोई उसके दरबार में कोई कमी नहीं है। तो ये कोई खैरात नहीं है, ये कोई तकसीम नहीं है, ये बिजनेस हो रहा है। हम आटा खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? आप पाकिस्तान में रोज़ बा रोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, जो मुतवस्सत तबके के लोग हैं उनके लिए अपने बच्चों को आटा खिलाना भी मुश्किल हो गया। यानी एक आटा एक आम सी चीज़ भी एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर होती जा रही है। हुकूमत वक्त को ख्याल नहीं आ रहा है। ऐसे में दयारे गैर से कनाडा से एक पाकिस्तानी आया है जो अपने हम वतनों की मदद करना चाहता है, सस्ते दामों में यानी पाकिस्तान में सबसे सस्ते दामों में आटा फरोख्त करने का ये लिए आए। सर पर तारुफ करवाइएगा, कहाँ से आए? हमने तो देखा था कि पाकिस्तान से लोग पैसा बाहर लेकर जाते हैं, आप पाकिस्तान में लेकर आए और पाकिस्तानियों की मदद के लिए। वो बहुत कम लोग हैं जो पाकिस्तान से पैसा बाहर लेके जाते हैं, वरना लोग पाकिस्तान बाहर से लेके आते हैं। इसकी बहुत मिसालें देखें जी, एक मैं छोटी सी मेरी ख्वाहिश है कि आटा जो है ना अनजस्टिफाइड प्राइस है पाकिस्तान में, ये जस्टिफाई नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा प्राइस है। ये होना चाहिए 20 रुपए किलो। अब इसमें अगर सब्सिडी गवर्नमेंट देना चाहती है या मुखियर हजरात, इसका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। 70 रुपए 80 रुपए 90 रुपए किलो जो है ना, ये आटा अनजस्टिफाइड है, ये एक सफ़ेद पोश आदमी के रीच से बाहर चला गया है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कोई डिफरेंस पैदा कर सकूँ। हमने अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ किया कि या परवरदिगार आटे के अंदर ना आटा 20 रुपए का करवा दे किसी तरह, कोई उसके दरबार में कोई कमी नहीं है। एक छोटी सी हमारी काविश है, दुआ करते हैं, आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह ताला आटा 20 रुपए का करवा दे और ये 20 रुपए का हो जाए। अच्छा, इज्जत नफ्स मजरूह किए बगैर आप आटा फरोख्त कर रहे हैं ताकि एक आदमी को लगे भी नहीं कि उसकी मदद हो रही है, उसकी इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। 20 रुपए में बेच रहे हैं, कितने लोगों को रोजाना देखेंगे और कहाँ कहाँ कौन कौन से मकाम पर कराची में आप ये स्टॉल लगाएंगे? देखें जी, ये पायलट प्रोजेक्ट है, हमने इस्लामाबाद में शुरू किया, उसके बाद आज से प्राइस यहाँ पे प्रेस क्लब पे शुरू हो रहा है। यहाँ पे रोज़ इंशाल्लाह एक ट्रक आएगा, कल से ये हम बहुत ज़्यादा आटा लेके आ रहे हैं नुमाइश पे मज़ार कायद पे, उसके बाद उसके अगले दिन परसों जो है लियाकताबाद में शुरू कर रहे हैं और उसके अगले दिन औरंगी टाउन में। तो जैसे जैसे हमारे पास आटे की सप्लाई आती जाएगी हम स्पॉट्स खोलते जाएंगे। बताइएगा कि जो लोग आ रहे हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि गरीब है अमीर है, जो आपको 20 रुपए देगा आटा ले सकता है? हमारी ख्वाहिश ये है कि इस अगले महीने हर दुकान पे आटा 20 रुपए किलो बिके। तो ये कोई खैरात नहीं है, ये कोई तकसीम नहीं है, ये बिजनेस हो रहा है, हम आटा खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। देखिए, ये इनका जानिब से जो बताया गया बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें अपने मुल्क के लिए तो क्या नहीं कर सकते। 20 रुपए किलो आटा बेचना नामुमकिन सी बात नहीं है। अगर जो मुनाफा खोर शख्स हैं या मुनाफा खोर फैक्ट्रीज है जो 70 से 80 रुपए लोगों को बेचकर लूट रही हैं, तो ये भी तो 20 रुपए बेच रहे हैं। हुकूमत वक्त को आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे लोगों को प्रमोट करें ताकि शहर भर में, कराची के मुख्तलिफ मकाम पर, पाकिस्तान भर में इस तरह के स्टॉल्स लग सकें जो गरीब आदमी आटा नहीं खा सकता, जिसकी पहुँच आटा भी दूर होता जा रहा है, तो उसके घर में 2 वक्त की रोटी बच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।